यूपी पुलिस भले ही महिला अपराध को रोकने का दावा करती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस रेप जैसे संगीन मामलों में भी पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बजाय उसको दर दर भटकने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही मामला मेरठ में सामने आया है, जहां मेरठ की एक युवती को 7 महीने पहले अपहरण कर युवती को बंधक बनाया गया और 7 महीने तक लगातार आरोपी रेप की वारदात को अंजाम देता रहा। फिर किसी तरह युवती आरोपी के चंगुल से छूटकर परिजनों के पास पहुंची, लेकिन रेप जैसी वारदात होने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़िता को थाने से तक भगा दिया। दरअसल मामला परतापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवती को नशीला पदार्थ देकर उसको अगवा कर लिया गया था। अगवा करने के बाद आरोपी नशे की हालत में युवती को बनारस ले गया और वहां पर 7 महीने तक लगातार रेप करता रहा। जब भी युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवती को बेरहमी से पिटाई करता था। फिर एक दिन किसी तरह युवती आरोपी के चंगुल से छूटी और लोगों की मदद से अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद बनारस पहुंचे परिजनों ने युवती को अपने साथ मेरठ ले आए। लेकिन इस मामले में हद तब हो गई जब परतापुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आरोपी लगातार युवती और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपियों की डर से युवती ने इलाके से पलायन तक कर दिया और कहीं जाकर बस गई। लेकिन इसके बाद भी आरोपी युवती को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा है। फिर जब थाना पुलिस ने पीड़िता की नहीं सुनी तो आज वह पीड़िता एसएसपी की दहलीज पर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंच गई, जिसके बाद एसएसपी ने थाना पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश देते हुए इंसाफ का आश्वासन दिया है।